हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी मसाला किचन में। तो आज हम ये बनाएंगे मैजिक मसाला, जो मैगी मसाला होता ना, जो हम पैकेट लेके आते हैं किसी भी पास्ता में, शिमयम किसी में भी डालते, तो वही मसाला हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पर ये रखा है ना मैजिक मसाला, सेम यही वाला बनता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना घर पे बनाने की, जिस तरह हम बना रहे हैं ना उसी तरह आप भी बनाना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सेम वही मसाला बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए हम आपको ये सब्जी पहले दिखा रहे हैं कि सिंपल सब्जी हम इसी तरह से ऐसे बना के बनाएंगे, तो और बाद में इसमें वही मसाला ऐड करेंगे तो हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो ये आलू और गोभी हमने ले लिए हैं, इनको अच्छे से कट कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया, इनको धुल लिया है। अब हमने पैन में इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा को हम चटकने देंगे, हम सिंपल बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। और आप अगर ऐड करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आप सिर्फ एक बार इस तरह से सिंपल सब्जी बना के देखना और ये वाला मसाला ऐड करके देखना, फिर उस सब्जी का आप टेस्ट देखना एक बार। बच्चे तो बहुत ही प्रेम से खाते हैं ये सब्जी। और यहाँ पर हमने जीरा डाला पहले, फिर हमने ये हींग डाली है फ्लेवर के लिए। हाँ, थोड़ी सी हमने इसमें हींग ऐड की है। तो और इसमें थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, बस इसमें सिर्फ ये ही डालेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं हम ऐड करेंगे, ना कोई प्याज ना कोई टमाटर, सिर्फ सिंपल सूखी सब्जी बनाएंगे। और ये ऐसी सब्जी कोई सफ़र अफर में जाओ, बच्चों को लंच बॉक्स में रख सकते हो और ये फटाफट बन जाती। सुबह तो वैसे भी जल्दबाजी रहती है ना, तो आप ये वाला मसाला बना कर रख लो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट और आपको काम में आसानी मिलेगी। जल्दबाजी होती है ना सुबह, तो वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने इसमें नमक ऐड कर दिया और ये हल्दी ऐड किया और बस थोड़ी सी ही मसाला, बस यही हमने इसमें ऐड किया। बस इसको छोड़ देंगे, स्लो गैस पे इसको धीरे धीरे से पकने देंगे। इसमें पानी वाली कुछ भी नहीं ऐड किया है, इसी तरह पकती रहेगी। तो चलते हैं, अब हम बनाते हैं अपना मैजिक मसाला। तो इसके लिए हमने सारे ये साबुत मसाले ले लिए हैं और ये मसाले सबके घर में होते हैं। आप ज़रूर इनको थोड़ा थोड़ा लेके ये वाला मसाला बना के आप भी अपने काम को एकदम मतलब झटपट कर सकते हो, सब्जी फटाफट बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये हरी इलायची ली है और ये जो हम बता रहे हैं ना, ये हमने धनिया लिया है और ये 1 चम्मच हमने काली मिर्ची ली है और ये 1/2 चम्मच बड़ी भर के हमने ये मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच भर के हमने ये सौंफ ली थी और ये एक स्टार लिया है, ये जावित्री का फूल है और एक ये बड़ी इलायची है। इनको तो आप स्किप भी कर सकते हो, जावित्री ना हो तो वो भी कुछ नहीं और ये बड़ी इलायची ना हो तो इसको भी स्किप कर सकते हो। और ये हमने 4-5 लाल मिर्ची ली है, तो ये यहाँ पर हमने 4-5 लाल मिर्ची साबुत ली है और 1 चम्मच सौंफ और 3 चम्मच हमने ये धनिया ली रहे थे और 2 चम्मच हमारा जीरा है और ये 1 चम्मच काली मिर्च है, उसी में 4-5 लौंगे हैं, जो लौंग का पाउडर डालते हैं ना, तो हम यहाँ पे साबुत लौंग डाल देंगे। और ये हमने प्याज लिया है, इस प्याज और ये लहसुन को अच्छे से हमने कट करके धुल के और इसको सूखा लिया है, 2-3 दिन इसको हमने सूखा लिया है धूप में। ये देखो प्याज हमारा पूरा सूख गया, लहसुन भी सूख गया है। हम इसमें ये ऐड करेंगे सारे मसालों के साथ, जो पाउडर डालते हैं ना, प्याज का पाउडर डालते हैं, लहसुन का पाउडर डालते हैं, हम पाउडर नहीं डालेंगे, हम ये साबुत ही डालेंगे। आप 1 या 2 प्याज कट करके उसको सूखा लेना और लहसुन को छील के सूखा लेना, तो वो हम इसमें यूज करेंगे। तो ये सारे खड़े मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, तो अब इनको अच्छे से हम चलाते हुए इनको रोस्ट कर लेंगे। इसकी नमी निकालनी है हमें मसालों की, सारे मसालों में की ये नमी निकल जाएगी ना, फिर हमारा अच्छे से मिक्सी में पिस जाता है। हमें फाइन पाउडर बनाना है ना, तो पहले हमें इसकी नमी निकालनी होती है, इसलिए धीमी गैस पे हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहीं पर हम ये प्याज भी इसी में ऐड कर देंगे, प्याज और लहसुन, जो प्याज और लहसुन का पाउडर डालेंगे ना हम, वो नहीं डालेंगे, हम यही डालेंगे, क्योंकि हमें पाउडर मिलना इतना आसान नहीं है जितना ये प्याज और लहसुन अपना घर पे सूखा लिया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो।
प्याज को कट करके सुखा लेना, लहसुन को भी सुखा लेना। अब ये सारे मसाले हमारे रोस्ट हो गए, इनको 5-10 मिनट थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम ये मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, पिसे हुए मसाले। तो यहाँ पर ये हमने कश्मीरी लाल मिर्ची 1 चम्मच ऐड की है, और 1 ही चम्मच हम भर के इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और यहाँ पर 1 चम्मच भरकर हम इसमें ये लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। पहले हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड की है कलर के लिए, अब हमने ये लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच ऐड किया है। और ये हमारा जिंजर पाउडर है, जो अदरक का होता है ना, अदरक को सुखाने के बाद का, तो ये जिंजर पाउडर है अदरक वाला, उसकी 1 चम्मच हमने इसमें पाउडर ऐड किया है। और 1 चम्मच हमने इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है, यहाँ पर नमक ऐड किया है। और ये हमारा जिंजर पाउडर हो गया, और ये आमचूर पाउडर हो गया, 1 चम्मच हमारा छोटा आमचूर पाउडर हो गया है इस यहाँ पे। आमचूर पाउडर भी आप ज़रूर डालना। और ये चीनी हो गई है 1/2 चम्मच, छोटी चम्मच समझ लो, 1/2 चम्मच हमारी चीनी हमने ऐड की है। और ये सारे मसालों को हमने अच्छे से इसका ये फाइन पाउडर बना लिया। ये देखो इस तरह से कितना बढ़िया कलर आया है ना, देखो कलर देखो आप, सेम वही अपना हमारा जो मैगी मसाला निकलता है ना, सेम वही कलर है। और इसकी खुशबू जो जो मसाले हमने बनाए हैं ना घर में, पूरे घर में इसकी खुशबू खुशबू फैल गई है। आप ज़रूर ये मसाला बनाना और आप ट्राई करना, ये सेम वैसा ही वही स्वाद भी वही आता है। किसी भी चीज़ में डालो तो ऐसा लगता है जैसे मैगी मसाला डाला हो, सेम वही स्वाद आता है। और हमारी घर की चीज़ों से ये फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। आपके पास भी अगर प्याज का पाउडर ना हो तो आप सुखा कर बना लो, लहसुन का भी पाउडर ना हो उसको भी सुखा कर बना लो, आसानी हो जाती है। और ये मसाला बना कर रख दो तो सब्जी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जिस दिन ये मसाला बनाओ ना, सारा घर इतना मतलब महकता है, इतनी खुशबू आती है। तो ये इधर देखो, ये सब्जी भी हमारी तब तक बनकर तैयार हो गई है। और इधर हम थोड़े से मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी हमने धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाली है, और ये 1 चम्मच भर के हमने इसमें अपना मैजिक मसाला इसमें ऐड कर दिया, जो मैगी मसाला बनाया है ना वो हमने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया है। आपकी जैसी सब्जी हो ना उस हिसाब से आप मसाला उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये हमने अपना मैजिक मसाला ऐड कर दिया, इतनी बढ़िया सब्जी सिर्फ इसी मैजिक मसाला से इतना बढ़िया इसमें स्वाद आता है। आप ज़रूर इसको एक बार बनाओ और इस मसाले को बनाकर आप अपनी किचन में रखो, बहुत ही बढ़िया, हर चीज़ हर सब्जी में डालो, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। बच्चे भी बड़े प्रेम से खाते हैं। आप ज़रूर इस मसाले को बनाना, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। जैसे हम भिंडी बनाए ना, जैसे भरमा भिंडी बना रहे, उसमें आप भिंडी को ऐसे ही उसमें मतलब छौंक दो, उसके बाद आप जब बन जाए उसके बाद 1 चम्मच ये मसाला डाल दो, इतनी बढ़िया भिंडी बनती है। जैसे हमने आलू गोभी बनाए ना, ऐसे ही आप भिंडी बनाओ, बैंगन बनाओ, कुछ भी बनाओ, सूखी सब्जी किसी में भी ये मसाला आप ऐड कर सकते हो। हम जो पैकेट लाते हैं ना, वो 5 रुपये का पैकेट मिलता है, उसमें 1 चम्मच ही निकलता। ये देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हमारे पूरा कितना, 1 कटोरी भर करके हमारा मसाला बन करके तैयार हो गया इस तरह से। ये देखो कितना बढ़िया बना है, खुशबू इतनी अच्छी आती है इस मसाले में, और कलर देखो सेम मैजिक मसाला, मैगी मसाला वाला, टेस्ट भी सेम मैगी मसाला वाला ही आता है। किसी में भी आप डालो, पास्ता में डालो, सिमइयों में डालो, किसी में भी डालो, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। आप ज़रूर इस मसाले को बनाना और बनाकर अपनी किचन में रखो, बहुत ही हेल्प मिलती है हमें सब्जी बनाने में, कोई भी चीज़ बनाने में, और बहुत ही बढ़िया लगता है ये मसाला। कोई किसी भी चीज़ में डालो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। इस तरह से आप किसी भी कांच की शीशी में आप इसको भरकर रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी मैजिक मसाला रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों और रिश्तेदारों में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल।